सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है आपका महान प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वैकेंसी लेके आए हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लर्क 3 रिक्रूटमेंट। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र दोस्तों मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपने क्या है कि सारा क्राइटेरिया देखेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, कहाँ की भर्ती है ये, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी वर्ष तक की उम्र के बंदे हैं जो इसमें एलिजिबल हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नोटिफिकेशन की लिंक जो है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप आराम से चेक कर लेना। और अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो 3 ही है लेकिन आपको तो एक ही चाहिए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्लर्क 3 रिक्रूटमेंट दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि प्रयोगशाला परिचर व तकनीकी सहायक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन है वो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही जारी किया गया है, यानी कि आपको बिल्कुल जो जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उन्हीं के माध्यम से ही दी जाएगी, किसी अन्य प्रकार से किसी पर्सनल वेबसाइट के माध्यम से नहीं दी जाएगी। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो और आप इनके जो रिक्वायरमेंट है, जो इनकी ज़रूरतें हैं वो अगर आप पूरी करते हो तो दोस्तों आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और फॉर्म फिल पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार लास्ट में कमेंट आता है जी मेरी हाइट इतनी है, मैं भर दूँ नहीं भरूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है। तो दोस्तों आप नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर पढ़ें, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर ना करें, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसमें फॉर्म है जो अप्लाई करें। तो जारी किए नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पदों के लिए रिक्त पदों को भरा जाएगा। दोस्तों इन पदों को भरने के लिए आवेदन फार्म ऑनलाइन तरीके से मांगी गई, यानी आपको ऑनलाइन तरीके से दोस्तों फॉर्म भरने, ऑफलाइन आपके फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती के अभ्यर्थी का चयन बिना परीक्षा साक्षात के आधार पर दोस्तों किया जाएगा, यानी कि इसमें आपका कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ इनका इंटरव्यू होगा और उसके आधार पर आपका इसका है जो फॉर्म है, जो पद है जो भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म करने से संबंधित अधिक जानकारी पोस्ट में आगे बताई गई है। उपलब्ध जानकारी संपूर्ण आवेदन फॉर्म फिर ही भरें दोस्तों, पढ़ने के बाद चेक कर लें। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म जो है ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियों की दोस्तों बात करें तो इनकी 15 फरवरी 2024 से शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है जो दोस्तों 7 मार्च रखी गई, यानी कि 5-7 दिन ही बाकी है आपके पास। अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आवेदन फॉर्म जरूर भर सकते हैं, क्योंकि इस समय सीमा के बाद आपके आवेदन फॉर्म है जो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, आपको पहले ही अभी भी 3-4 दिन पड़े हैं तो इससे पहले पहले आप फॉर्म भर दें, यानी कि फरवरी एंड तक अगर आप फॉर्म भर देते हो तो कई बार लास्ट में क्या होता है कि सर्वर डाउन या साइट बंद होने का या क्रैश होने का दोस्तों डर रहता है। तो आप अगर इसमें फॉर्म भरना चाहते हो तो लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना पहले ही भर दीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पदों के आवेदनकर्ता के लिए जो आयु सीमा दोस्तों रखी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है, प्रयोगशाला परिचर के लिए 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना जो आधिकारिक नोटिफिकेशन को आधार मान के की जाएगी, बाकी उसमें बकायदा नोटिफिकेशन में दोस्तों दिया होगा कि किसको किस डेट को आपका जो है काउंटिंग की जाएगी। सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों को जो छूट होती है दोस्तों OBC SC ST के लिए 3 वर्ष 5 वर्ष की है, वो इसमें विशेष है, वो आपको छूट दी जाएगी। ऐसा कुछ भी कोई प्रावधान नहीं है कि उसमें आपको छूट नहीं दी जाएगी। आवेदनकर्ता आवेदन फॉर्म भरने के साथ साथ आयु सीमा को प्रमाणित करने वाले उचित दस्तावेज दोस्तों संलग्न करें, यानी कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लगाएं, अगर नहीं है तो 10th मार्कशीट जरूर लगाएं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पदों की भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए जो आवेदन शुल्क है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए दोस्तों अलग अलग रखा गया है। जनरल OBC EWS उम्मीदवारों के लिए दोस्तों 1000 रुपये शुल्क रखा गया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन दोस्तों इसमें एग्ज़ाम नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा पैसा ज़्यादा वसूला जा रहा है। अन्य सभी कैटेगरी के आवेदनकर्ता के लिए आवेदन शुल्क है जो निःशुल्क रखा गया, उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि SC ST OBC PW या महिलाओं के लिए दोस्तों हो सकता है कि
इन्होंने चार्ज जो नहीं रखा है। आवेदन शुल्क का भुगतान दोस्तों क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करना होगा, किसी और माध्यम से आपका जो शुल्क है दोस्तों वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको ऑनलाइन तरीके से ही उसकी पेमेंट करनी है और पेमेंट करने के बाद आपको जो अगले स्टेप है वो क्लियर करनी है। शैक्षणिक योग्यता की दोस्तों बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के आवेदनकर्ता के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ भाई आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही मेरे पर या किसी वेबसाइट पर मत विश्वास कीजिएगा। तो प्रयोगशाला परिचर के आवेदनकर्ता के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन भर सकते हैं। अन्य पदों की शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए बैचलर मास्टर डिग्री जारी की गई है रखी गई है। इसके अलावा आधिकारिक जो नोटिफिकेशन में उपलब्ध करवाई गई है वो दोस्तों ज़रूर चेक कर लें, तभी आप फॉर्म इसमें फिल करें। आवेदन कैसे भरना है तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। तो वीडियो लास्ट तक आप अगर यहां तक देख के आए हो तो ये चीज़ें देख लेना, आपको किस प्रकार से कहां आपको करियर या रिक्रूटमेंट का पोर्शन मिलेगा। तो विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पदों की भर्ती का ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निम्न चरणों का दोस्तों आपको पालन करना होगा। आवेदन करने के सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाने, यानी कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आप होम पेज पर जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ की भर्ती का नोटिफिकेशन पीडीएफ माध्यम में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर लेना दोस्तों। नोटिफिकेशन में दी गई संपूर्ण जानकारी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना है। संपूर्ण जानकारी चेक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म पर क्लिक करना है। मांगी गई संपूर्ण दस्तावेज संबंधित फोटो सिग्नेचर सहित अपलोड करनी है। संपूर्ण जानकारी है जो एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना और संपूर्ण मानी गई फोटो सिग्नेचर सहित अपलोड करनी है। आवेदन फॉर्म दोस्तों पूर्ण रूप से भरने देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसका एक प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट या आप अपने ड्राइव में इसको सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें फॉलो करनी है, फिर आप इसका प्रिंट आउट लेके आप अपने पास रख सकते हो और आधिकारिक वेबसाइट पर रोजाना चेक करते रहना है कि आपका इंटरव्यू के लिए कभी भी मैसेज या वो मेल आ सकती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, और वीडियो कैसी लगी, अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो दोस्तों आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर दोस्तों नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका यूट्यूब कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेता। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।